हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल प्रीवियस ईयर पेपर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था हमारे शॉर्ट्स वीडियो में कि हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट के वीडियो लेके आएंगे, यानी कि सामान्य प्रबंधन का वीडियो लेके आएंगे, जो कि इस बार के एमपी पटवारी के 2023 के एग्जामिनेशन में एक नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए जुड़ा है। वो वाले वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले। और ये रहा आपका पहला वीडियो एमपी पटवारी के एग्जाम के जनरल मैनेज सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 15th से स्टार्ट होने वाला है, तो ये जो वीडियो रहेंगी ये बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़ाने वाली हूं मैं। यहां पे मैं आपको क्विक रिवीजन करवाने वाली हूं जनरल मैनेजमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के लिए। तो जिससे कि दो फायदे होंगे, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है मैनेजमेंट उनका एक रिवीजन हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है ड्यू टू एनी रीजन फिर भी उनको ये सब्जेक्ट जो होगा वो समझ में आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं वो शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं और उन्होंने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, आप सभी लोग इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने पटवारी के एग्जामिनेशन में इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, लेकिन एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एमपी के जितने भी एग्जाम्स लाइंड अप है उन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने एनालिसिस किया है। वीडियोज सभी के लाइंड अप है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दूंगी। सर ने सारे वीडियोज को डिस्कस किया है इन डेप्थ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमपी जीके के, क्वांट के, एलआर के, इंग्लिश के, ये सारे टॉपिक्स सर ने डिस्कस करे हैं और वो आपके आने वाले एमपी के एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम चैनल भी हमारा बनाया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके पीडीएफ वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब ज्यादा वेट नहीं करते और जल्दी से हमारे मैनेजमेंट का पहला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा मैनेजमेंट का जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो मैनेजमेंट ही रहेगा, यानी कि प्रबंधन ही रहेगा, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि प्रबंधन होता क्या है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं, आपका सरकारी नौकरी रखता है तो भी आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे जो मैनेजमेंट है उसका क्या महत्वपूर्ण क्या महत्व रहेगा, वो आपके लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारी ही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और है कि यहाँ पे मेरी जितना भी स्लाइड रहेगा वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप लोगों को घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ पूरा थ्रू आउट हिंदी में करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी घबराना मत कि मैम हम कैसे समझेंगे, बिकॉज स्लाइड सिर्फ इंग्लिश में है लेकिन आपको पूरा जो मैं सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करूंगी, मैं आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके सारा हिंदी में समझाऊंगी, ठीक है। चलो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, यानी कि क्या है डेफिनेशन क्या है। तो देखो हमारी जो मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा रिनाउंड ऑथर्स हैं, लेखक हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट का डिफरेंट डिफरेंट जो है डेफिनेशन दिया है, और वहीं से मैंने कुछ दो से तीन ऑथर्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिया है, जो कि हाँ आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दिया गया है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस डेफिनेशन है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिया है। तो जो हैरोल्ड कून्स हैं उनका कहना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक कला है। स्टूडेंट क्या मैनेजमेंट क्या होती है, प्रबंधन क्या होती है, एक कला होती है दूसरों के द्वारा आपके काम को करवाने की, एक और संगठन के अंदर यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ग्रुप के अंदर आपके अंदर एक वो कला होती है जो आप दूसरे लोगों से आप काम को अच्छे तरीके से करवाते हैं, ये क्या होता है मैनेजमेंट होता है। फिर जो F.W. टेलर साहब है उन्होंने भी मैनेजमेंट का यानी कि प्रबंधन का एक और डेफिनेशन दिया है। स्टूडेंट उनका कहना है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी कि टेलर साहब कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ये समझने की कि आप क्या करवाना चाहते हैं, यानी कि एज अ मैनेजर आपको पता है ये कि आर्ट है कि आपको सामने वाले यानी कि आपके जो दूसरे पर्सन है जो आपके लिए आपके साथ में काम करें आपको उनसे क्या काम करवाना है और क्या एक बेस्ट तरीका है, क्या एक बेस्ट तरीका है उनके उनसे वो काम करवाने का एंड द चीपेस्ट वे, और यानी कि बहुत ही चीपेस्ट का मतलब होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स की सस्ते तरीके से आप कैसे किसी भी इंसान से वो काम को करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाएंगे यानी कि किसी कंपनी में जाएंगे, तो वहां पे आपने आपका इंटरव्यू दिया, उसके बाद में जो भी वहां पे एचआर होंगे
वो आपसे क्या पूछेंगे, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, एक वो मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है, जो एचआर है वो क्या है, वो वहां पे आपसे बात करेंगे, वो आपसे नेगोशिएट करेंगे आपकी सैलरी में। वो हमेशा चाहेंगे कि वो जो जो भी कैंडिडेट को हायर करेंगे ना, कि हमारे को कैंडिडेट एक उनको जो बजट दिया गया है उस बजट के अंदर में ही मिले। तो ये क्या होती है, एक कला होती है हर एक इंसान को, जो भी काम जिससे हमें वो करवाना है, हमको पता होती है कि हमको उनको कितना पैकेज पे करना है, यानी कितना ऐसा पे करना है वो काम को करवाने के लिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजर को ये सारी चीजें मालूम होती हैं। फिर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, एक डिफाइंड प्रोसेस है। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए आप कहीं पर भी काम करिए, ठीक है, आप किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या का क्या होता है, एक गोल होता है, ठीक है, एक गोल होता है। गोल का मतलब क्या होता है, एक मतलब एक क्या बोलना चाहिए कि उनका एक एक गोल रहता है कि हमको ये चीज अचीव करना है। मतलब कि मान के चलिए कि अगर मैं किसी फर्म की ओनर हूँ और मेरा कपड़े का बिजनेस है, तो मेरा एक गोल क्या रहेगा कि मेरे को महीने के आखिर तक 100 यूनिट जो होंगी, 100 इकाई जो होंगी कपड़े की, वो बनानी है और मेरे को मार्केट में उसको उतारना है, यानी कि मार्केट में बेचना है उन कपड़ों को, ठीक है। मतलब मेरे जो रिटेलर्स होंगे या फिर जो होलसेलर्स होंगे, मेरे को उन कपड़ों को बेचना है। तो ये मेरा क्या है, एक गोल है कि मेरे को इस गोल को अचीव करना है। तो कोई भी संगठन या कोई भी कंपनी होगा, कोई भी फर्म होगा, उसका क्या होता है, हमेशा एक एम रहता है और जिसके बिना वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज, कोई भी गोल हो सकता है, कोई भी अचीव में कोई भी चीज अचीव आप नहीं कर सकते, किस चीज के बिना, मैनेजमेंट के बिना, मैनेजमेंट के बिना आप नहीं कर सकते। आपके घर में भी तो ये होता है कि आपके मम्मी क्या बनाती है, एक टाइप एक बजट टाइप का बनाती है कि यार हमारे पास में इतने पैसे हैं, आप उस इतने में हमको पूरा महीना चलाना है। और हम सभी लोग क्या है, हमारी मम्मी हमारी मैनेजर है और हम उन लोगों के क्या है, हम उनके कर्मचारी, हमारे घर के लोग, ठीक है, उनके कर्मचारी हैं। तो जैसा कि मदर हमारी बोलती है कि हम इस चीज़ पे इतना खर्चा करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, वो सारा चीज़ क्या होगा स्टूडेंट, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि प्रबंधन होता क्या, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता। नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, क्या होता है। तो पहला, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है। यानी कि प्रबंधन क्या होता है, एक इस प्रकार का एक्टिविटी है, एक इस तरीके की गतिविधि या फिर ऐसा काम है जो इफेक्टिवली, जो फोकस किस चीज पे करता है, उसका फोकस क्या रहता है कि आपके जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, यानी कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपके जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां पे, उन सभी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि उन सभी रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास में, अगर मान के चलो चावल है, अगर मैं चावल का यूज करके कुछ बना रही हूँ, तो आधा चावल मेरा वेस्ट हो रहा है, सिर्फ आधे चावल का ही मेरा काम में आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक गलत यूटिलाइजेशन होगा मेरे रिसोर्सेज का, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट होता ही इसी चीज के लिए कि आपके कंपनी में जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आप उन सभी चीजों को कैसे करोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे, यानी अच्छे तरीके से यूज करोगे कि किसी भी चीज का क्या नहीं होना चाहिए, आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो कंपनी में, फैक्ट्री में, किसी दफ्तर में रिसोर्सेज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जो रॉ मटेरियल, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कोई चीज बन रही है, तो जो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा सामान होगा, कोई मशीन होगी, वो सब क्या होगा, आपका चीजें होंगी, वो मटेरियल होगा, वो आपका प्रोडक्शन रिसोर्सेज होगा, मशीन्स हो गए। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे लिखा है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, या ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में काम करता है, कोई भी इंसान जो व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। कोई इंसान अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उस बंदे का भी कैसा होना चाहिए, यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। वो जितना अपने क्या बोलना चाहिए कि उनके अंदर जितना क्षमता है, उतना उनको वर्क करना चाहिए। और अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो एक मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो फाइंड आउट करें कि क्यों मेरा ये पर्सन इतना मतलब उनका जो
क्षमता है उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? ऐसा एक्टिविटी है जो फोकस करता है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके कंपनी में, आपके दफ्तर में, उन सभी का जो यूटिलाइजेशन है, जो यूजेज है, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरा आता है, ये पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। कैसी होती है? पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। अब इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट होता क्यों है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके कंपनी का, आपके किसी, आपके दफ्तर का, आपके कंपनी का, आपके फर्म का एक गोल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने बोल दिया लोगों को कि मुझे 100 यूनिट्स कपड़े का बनाना है और बाय एंड ऑफ द मंथ वो बन जाना चाहिए, मतलब महीने के आखिर तक वो बन जाना चाहिए। लेकिन जब कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई भी इंसान अपने तरीके से काम कर रहा है, हो सकता है 5 लोगों को हायर कर लिया, कोई दो लोग 10-10 कपड़ा बना रहे हैं, कोई 3 लोग एक एक कपड़ा ही बना रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई एक पर्सन हो सकता है जो सिर्फ आधे, मतलब दिन के आधा दिन खत्म होने पर आ रहा है फिर काम कर रहा है। अगर मैनेजमेंट ही नहीं है तो मेरा जो एम है 100 कपड़े बनाने का, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं डिफाइन करिए ना वहां पे कि कैसे हमको कितने लोगों से काम करवाना है, कौन सा इंसान मशीन चलाएगा या फिर कौन सा इंसान कपड़े को डाई करेगा, ये सारे प्रोसेस तो हमने डिफाइन ही नहीं करे। तो ये क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका होना बहुत जरूरी है अगर आपको आपके गोल को अचीव करना है, तो इसका होना बहुत ज्यादा क्या होता है, नेसेसरी होता है। नेक्स्ट हो गया कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पीपल। अब देखो, मान के चलो कि मैंने लोगों को हायर तो कर लिया, ठीक है, बट मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ मतलब अपनी अपनी चला रही हूँ वहाँ पे, हर चीज़ में मैं अपना अपना वो दे रही हूँ कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। ठीक है, ये चीज़ होना भी चाहिए, मतलब कि आपके जो लीडर्स होते हैं, आपके जो मैनेजर्स होते हैं, आपके जो बॉस होते हैं, डेफिनेटली वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, हमको उनकी बात सुननी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक वो जो चीज़ होती है ना कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। आप कोई भी जो चीज़ है, आपका कोई भी गोल होगा, आप अपने कंपनी का गोल, आपका जो खुद का कोई पर्सनल टारगेट होगा, कोई गोल होगा, आप तभी अचीव कर सकते हैं जब बहुत सारे लोग मिलके उस पर काम कर रहे होंगे। 100 यूनिट अगर मेरे को कपड़े का बनाना है तो क्या आप बताओ एक पर्सन वो बना पाएगा? नहीं, वो कब बन पाएगा? जब सारे लोग मिलके उस पर काम करेंगे, जब सारे लोग उसको मिलके बनाएंगे, तब वो 100 यूनिट जो होगा वो एक महीने के अंदर बन पाएगा। मैं कैसे बोल सकती हूँ कि सिर्फ मैंने अकेले वो बनाया है? नहीं, वो क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे लोगों का सहयोग होके वो जो हमारा एक गोल होता है ना वो अचीव होता है। तो वो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, स्टूडेंट, एफर्ट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का सीधा सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट, चेंज होता है। डायनेमिक का मतलब चेंज होना बार बार, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज जो पॉलिसी बनाई मैंने कंपनी में, वो कल जाके चेंज कर दिया, परसों चेंज कर दी, नहीं। डायनेमिक मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस का मतलब, प्रबंधन क्या है, डायनेमिक प्रोसेस क्यों है, उसको टाइम के साथ में हमको कुछ हमारे प्रोसेस में चेंजेस करना जरूरी है, ठीक है। आज मान के चलिए मैं 100 कपड़े का यूनिट बना रही हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरे साथ में जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो हो सकता है 200 यूनिट बना रही होगी एक हफ्ते में, ठीक है। उनके पास पावर भी उतना ही मैन पावर है, मेरे पास भी उतना ही मैन पावर है, तो क्यों वो ज़्यादा बना पा रहे हैं, क्यों मैं कम बना पा रही हूँ? यानी कि मुझे अपने आस पास का जो बिजनेस एनवायरमेंट है, मतलब कि जो आस पास मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मेरे आस पास के कॉम्पिटिटर्स हैं लोग बिजनेस में, जो उसी सेम बिजनेस में, मुझे पता होना चाहिए कि वो लोगों में क्या चल रहा है और मैं अगर पीछे हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, मेरे मैनेजमेंट में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब इसमें समय के साथ हमें बदलाव करना पड़ता है अगर हमको अच्छे तरीके से हमारे गोल को अचीव करना है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। नाउ इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप छू नहीं सकते या फिर आप देख नहीं सकते, ठीक है। अब प्रबंधन क्या होता है ना स्टूडेंट, वो इंटेंजिबल है, ना ही तो आप उसे देख सकते हो, ना ही आप उसे टच कर सकते हो, आप सिर्फ उस चीज को फील कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, वो कोई वस्तु नहीं है जिसको आपने टच कर लिया, आपको ने उसको उठा लिया, आपने उसको देख लिया, नहीं, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो। जब भी आपके मैनेजर्स, जो भी आपके कोई मैनेजर हैं या फिर आपके जो बॉस होंगे, वो जब आपको कुछ काम असाइन करेंगे 4-5 लोगों को, और जब वो सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मैनेजमेंट है उस जगह पे, ये फील होता है हमको, हम सिर्फ उसको महसूस कर रहे हैं, ना ही हम उसे टच कर रहे हैं, ना ही हम उसे छू रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या होती है, इंटेंजिबल चीज है, यानी कि हम उसे
एक मतलब सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या होता है, अब मान के चलिए मेरे बॉस ने मुझे टारगेट दिया, बोला कि ये जो 100 कपड़े हैं ये 100 यूनिट जो था बना दो, हम सब ने मिलके बना दिए। अब खत्म हो गया क्या मैनेजमेंट वहां पे? नहीं, मैनेजमेंट खत्म नहीं होता। मैनेजमेंट तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा चलता रहता है। जब भी आप किसी दफ्तर में काम करोगे, कंपनी में काम करोगे, कहीं पर भी काम करोगे, मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। मैनेजमेंट हर एक स्टेप जो होता है मैनेजमेंट का वहां पे वो रहता है। जैसे कि अगर किसी चीज का प्लानिंग हो रहा है तो वो वहां पे होगा, कोई डायरेक्टिंग हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, स्टाफिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, वहां पे हर एक जगह पे मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट किसी भी स्टेप पे छूटता नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि हमने ये 100 यूनिट बना दी तो अब हो गया खत्म, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगले महीने अगर यूनिट और बढ़ानी है तो क्या होना चाहिए, उसी तरीके का मैनेजमेंट और अच्छी तरीके से होना चाहिए, तो आपका जो टारगेट होगा वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है, ठीक है। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में या दफ्तर में मैनेजमेंट का होना क्यों जरूरी है? तो पहला तो हो गया अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप गोल, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया था, जब भी आप कहीं पे भी काम करने जाते हैं आपके खुद के भी कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में, करेक्ट है ना। कि कुछ लोगों का होता है, ठीक है, अब मेरे को नौकरी मिल गई है, अब मेरा जो नेक्स्ट गोल होगा वो ऐसा रहेगा कि मेरे को ये साल खत्म होते होते मुझे अपने लिए कार खरीदनी है, ठीक है। किसी का होगा गोल कि मेरे को अगले साल तक मेरे को अपने लिए घर लेना है। तो ये क्या है स्टूडेंट, आपके गोल्स हैं। इन गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, आप काम करोगे, ठीक है। काम इफेक्टिवली कैसे होगा, उसके लिए भी क्या चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। आपके टाइम को आप अच्छे से मैनेज करोगे, आपकी हेल्थ को भी मैनेज करोगे आप। ऐसा नहीं होगा कि काम में ही पूरी तरीके से डूब जाओगे, हेल्थ पे अपना ध्यान नहीं दोगे, फिर आपका हेल्थ अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर काम भी आपका इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, हर एक इंसान का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक गोल होता है। अगर उसको अचीव करना है तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर होता है इंक्रीमेंट इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखो आप कहीं पर भी कभी भी काम करना शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है जैसे कि मैंने अभी वो कपड़े वाले, हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो पहले मैं काम सीख रही थी, ठीक है, कि कोई भी जगह पे जाओ, मैं काम जब सीखूंगी तो मैं धीरे धीरे काम करूंगी, ठीक है। तो हो सकता है मैंने पूरे महीने में सिर्फ 20 यूनिट्स बनाए कपड़े के, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, मुझे समझ में आया कि यार ये 20 यूनिट तो बहुत कम है। अब मुझे क्या आ गई, मुझे टेक्निक समझ में आ गई कि बनाना कैसे है, ठीक है, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था बनाना कैसे है, मैं सीख रही थी। अब नेक्स्ट महीने में जब मैं गई तो मैंने 40 नहीं बनाया, चलो मैंने 30 बनाया, ठीक है, क्योंकि एकदम से 50% तो नहीं बढ़ जाएगा मेरा एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बनाया, 30 बनाया। फिर मैं जब तीसरे महीने में पहुंची तो मैंने 50 बनाया। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो एफिशिएंसी है, मतलब काम जो करने का मेरा स्पीड था, विदाउट को मेरे कोई भी यूज रिसोर्स को वेस्टेज करने का, वो क्या हुआ, मेरा इंक्रीज हुआ। तो वो भी कैसे होगा, वो भी मैनेजमेंट के जरिए ही होगा, प्रबंधन के जरिए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्रिएशन ऑफ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अभी जस्ट मैंने आपको एक डायनेमिक वाला एक एग्जांपल बताया था कि हमारे को प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं ना स्टूडेंट, तो हमें हमारे प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट फिर से वही पॉइंट 4 है, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये तो हमने अभी तक बात करी कंपनी लेवल पे, लेकिन जब आप किसी कंपनी में, किसी दफ्तर में, कहीं पर भी सरकारी दफ्तर में काम करो, प्राइवेट में काम करो, आपको पता तो है ना, आप हमारे भी तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। जैसे अभी मैंने बताया कि आप टारगेट करते हो, इस साल के एंड तक मुझे कार लेनी है, अगले साल के एंड तक मुझे घर लेना है, तो ये क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन सबको, इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, मेरे को अपना सारा जो भी पैसे आप कमा रहे हो वो भी चीज़ों, वो भी अच्छी तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। तो ये भी क्या होता है, आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं आपको ये अचीव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डेवलपमेंट इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट आएगा, देखो मान के चलो किसी भी जगह पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई नया प्लांट डला, कोई नया प्रोडक्शन शुरू हुआ,
तो वहां से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उनके कारण क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। जब कोई किसी जगह कोई फैक्ट्री लगेगी तो डेफिनेटली वहां पे लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी में। अब वो जब चीज जो भी आपने क्रिएट किया वो जब बाहर मार्केट में गई, मार्केट में जाने से क्या हुआ, उसका सेल हुआ, सेल हुआ तो हमारी क्या हुआ, इकोनॉमी में भी इंक्रीमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ, ये एक पूरा साइकिल है कि मैनेजमेंट के कारण डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, सोसाइटी में भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो आई होप इतना जो मैंने आपको समझाया, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं जिससे आपको अच्छी तरीके से जो है सारे टर्म्स है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को करने के लिए ना आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज करना पड़ेगा। तो जिसमें सबसे पहला जो आता है ना स्टूडेंट्स, वो आता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लानिंग होता है, इज द प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। दिस इंप्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अब सिंपल भाषा में समझते हैं, प्लानिंग का मतलब हो गया कि कोई भी काम अगर करना है, कोई भी काम, पहले तो ये सोचना कि हमें करना क्या है, एडवांस में पहले तो ये सोचो कि हमें करना क्या है और कैसे करना है और किसके द्वारा करवाएंगे और कैसे करवाएंगे, ये तो हो गई प्लानिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने एक गोल सेट किया एडवांस में, मैंने क्या किया, एक गोल सेट किया कि ठीक है मुझे ये करना है, इस तरीके से किया है, फिर मैं सोचना शुरू करूंगी कि मुझे किस तरीके से उसको अचीव करना है। अब जैसे कि इसको नॉर्मल भाषा में, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने सोचा कि मेरे को अपने लिए एक बिजनेस खड़ा करना है। ठीक है, ठीक, मैंने सोचा कपड़े का बिजनेस मेरे को चालू करना है, तो पहले तो हो गया कि मैंने सोचा कि कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट सोचा कि इसको शुरू कैसे करूंगी, किस किस की हेल्प लूंगी उसको शुरू करने में। ठीक है, फिर मैंने गोल भी सेट किया कि यार ठीक है, तो सबसे पहले अगर कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे को कुछ ऐसा, एक पहले तो दुकान लेना पड़ेगा, दुकान में लाने के लिए मुझे कोई लोग भी रखने पड़ेंगे जो उस सामान को बेचेंगे वहां पे, और फिर मेरे पास में सप्लायर भी तो होने चाहिए जिनसे मैं सामान लूंगी, मतलब जिनसे मैं सामान लेके अपनी दुकान में बेचूंगी, वो लोग भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज क्या हो गई, फिर वो सप्लायर कौन होंगे, उनसे मैं कैसे मिलूंगी, ये सारी जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, ये प्लानिंग होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने कल जाके दुकान खोल दिया, जस्ट आप खड़े होगा दुकान खोल के, ऐसा नहीं होगा ना, आपको सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, प्री प्लान करनी पड़ेगी। आप लोग भी जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोगों के नोटिफिकेशन आया होगा, तो आपने भी तो अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करी होगी ना कि ठीक है मेरे पास में 4 महीने है, मैं 4 महीने में 2 महीने पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह इस तरीके से क्लियर करूंगा, फिर नेक्स्ट 2 महीने में मैं रिवीजन करूंगा, फिर मैं टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करूंगा, और जो इतना मेरा वीक पोर्शन है मैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लूंगा, जो मेरा डिफिकल्ट पॉइंट आ रहा है, डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूंगा। तो ये क्या होता है फंक्शन, ये क्या हो गया, प्लानिंग हो गया किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, ये क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि अब आपने सोच लिया, आपने मान के चलो काम भी शुरू किया, अब क्या आप ही अकेला सारा काम करोगे, बताओ मेरे को, आप तो अकेले नहीं करोगे ना, जब आप मैनेजर भी बनोगे कहीं पे, आपके या आपके साथ में जब कोई लोग आपके अंडर में भी काम करेंगे तो आप क्या करोगे, आप खुद ही अकेला सारा काम करोगे ना, नहीं, आपके पास में अगर 3 लोग हैं तो आप क्या करोगे, उन तीनों का क्वालिफिकेशन आपको मालूम है, वो तीनों का क्या क्वालिटी है, वो तीनों किस किस चीज में माहिर है आपको वो भी पता होगा, तो आपका काम क्या होगा, जो पर्टिकुलर काम है, जो पर्टिकुलर टास्क है वो सही इंसान को देना, जिससे कि वो सही पर्सन अपना क्वालिफिकेशन, अपना क्वालिटी को यूज करके उस काम को जल्दी आपको करके दे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूटीज को असाइन करना, ठीक है, ड्यूटीज को असाइन करना, या फिर कि ग्रुप जो टास्क है उसमें ग्रुप बनाना, उनको पर्टिकुलर सब ग्रुप्स को उनका काम देना। ठीक है, और आपके जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका, आपका जो प्लान हुआ है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग वो सारे ही रिसोर्सेज का यूज करवाना। ठीक है, जैसे ही आपने कोई प्लान बना दिया, आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में आपका जो काम है दूसरों को अपने टास्क असाइन करें, फिर आप उनको मॉनिटर करना स्टार्ट करोगे कि उनके द्वारा कोई गलती तो नहीं करी जा रही है, कोई भी परेशानी तो नहीं उनको फेस हो रही है। आपको ये मतलब बॉस ही नहीं बनना है वहां पे कि ठीक है आपने काम दे दिया अब आप भूल गए, अब उनको डिफिकल्टी फेस हो रहा है तो कौन उनको बताएगा। ठीक है, आप भी जब किसी
कंपनी में जाओगे या किसी ऑफिस में जाओगे तो ऐसा तो नहीं है ना, फर्स्ट डे आप सीख जाओगे, आपके जो सीनियर्स होंगे आप उन्हीं से तो सीखोगे ना। तो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया, जो प्लान बना है अब उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करवाने के लिए लोगों को उनके टास्क असाइन करने हैं कि ठीक है अब आपको 10 कपड़े आज बनाने हैं, आपको 20 बनाने हैं, आपको 30 बनाने हैं, या फिर आपको उन कपड़ों पे डाई करनी है, आपका काम होगा इसको पैकिंग करना। ये क्या हो गया, प्लान को एग्जीक्यूट करवाना अभी शुरू कर दिया हमने, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ये सारी चीजें करवानी है बट लोग भी तो होने चाहिए ना आपके पास में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, आपके पास में लोग भी तो होने चाहिए ना। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही पर्सन आपके पास कंपनी में होना चाहिए पर्टिकुलर काम करने के लिए। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे कुछ कंटेंट को लिखवाना है, कुछ कंटेंट राइटिंग करवाना है मेरे को। ठीक है, मैं ऐसे ही तो बंदे को हायर करूंगी ना जिसको ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग आता हो। ठीक है, जिसके पास में पहले से कुछ एक्सपीरियंस हो कंटेंट राइटिंग का। मान के चलिए उस बंदे को आता ही नहीं है कंटेंट राइटिंग, मैंने किसी ऐसे ही पर्सन को हायर कर लिया जिसको कंटेंट राइटिंग आता ही नहीं है, तो क्या होगा, वो बंदा तो मेरा काम ही नहीं कर पाएगा। तो स्टाफिंग का भी क्या मतलब होता है कि हमें सही पर्सन को हायर करना है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमें उनसे काम करवाना है, जो पर्सन उस काम को प्रॉपर तरीके से कर पाए, हमें इस ऐसे ही पर्सन को हायर करना है। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो भी पर्सन को हायर कर रहे हो आपको माइंड में क्लिक सेट रहना चाहिए कि इस बंदे का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी ये इस पर्टिकुलर काम को कर पाएगा और मेरा जो गोल है सेट उसको वो मतलब टारगेट को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टेप्स होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल हो गया, ये सारे ही जो पार्ट्स रहते हैं, ये सारे ही स्टाफिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। लेकिन बेसिक छोटा सा सिंपल सा मीनिंग होता है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई हायरिंग होगा तो राइट पर्सन को हायर करना राइट काम के लिए और विद राइट क्वालिफिकेशन ऑन राइट टाइम इज नोन एज स्टाफिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग इज समथिंग जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो हमेशा ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले देखो डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। यानी कि देखो बहुत बार ऐसा पॉइंट आएगा जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना कि यू गॉट बोर बाय योर वर्क, कभी कभी होगा कि आप ना जब कंटिन्यूसली व्हेन यू डू सेम थिंग ना, जब आप एक ही काम करते रहते हो बार बार तो आप बोर हो जाओगे। डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो आपके लीडर है, जो आपके बॉस है, वो क्या करेंगे ना, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे आपके काम को करने के लिए। आपको डायरेक्टिंग क्या हो गया, निर्देशन, अच्छी प्रॉपर तरीके से निर्देश देना, निर्देशन देना अच्छी तरीके से क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। इसके लिए क्या होना है, हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए हमारे दफ्तर में, कंपनी में, जो हमारे एम्प्लॉयज को क्या करें, वो एनकरेज करें कि अपने काम को करने के लिए। देखो हो सकता है अभी आप लोग रिक्रूटेड नहीं हो कहीं, ठीक है, हो सकता है आपका इस साल में जॉब लग जाएगा। ठीक है, अब क्या आप ऐसे एटमॉस्फेयर में काम कर पाओगे कभी भी, जहाँ पे आपका बॉस आके आप पे बस चिल्ला रहा है और बोल रहा है काम करो काम करो, नहीं कर पाओगे। आप क्या चाहते हो कि आपके बॉस, अगर आपको कोई परेशानी फेस हो रही है तो आपके बॉस आपको क्या करे, आपको मोटिवेट करे, आपको इन्फ्लुएंस करे, आप उनको देख के सीखो कि यार उनके पास भी तो इतना काम है, वो तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप उनसे उनका वो इन्फ्लुएंसिंग वो चीज लो, उनका एक क्वालिटी लो वहां से, वो आपको मोटिवेट करे। ठीक है, आप भी तो यही चाहोगे। फिर हो सकता है कि कई कुछ टाइम बाद में आपकी भी टीम होगी, ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, वही सेम करना है, आपको अपने आसपास के आपके जो भी पीयर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपको उनके साथ में ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखना है कि अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वो डायरेक्टली आके आपको बोले। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है ना कि आप वो मोटिवेट नहीं है या वो काम नहीं ढंग से कर पा रहे, तो जस्ट आपको समझ में आना चाहिए आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मोटिवेशन और लीडरशिप ये जो होता है ना, ये बहुत ही की कंपोनेंट्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दो चीजें होती हैं डायरेक्टिंग के अंदर। अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं है तो आप उनसे काम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, और अगर आप सही लीडर नहीं है तो भी आप अच्छी तरीके से अपने एम्प्लॉयज से काम नहीं करवा पाएंगे।
डायरेक्टिंग इन्वॉल्व करता है। डायरेक्टिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग इम्प्लॉयज एट वर्क। आप अच्छी तरीके से जब अपने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर रहे हैं तो वो आपके काम को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी करेंगे। और अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं है, यानी कम्युनिकेशन गैप मतलब कि आपने उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ समझाया, उनको नहीं समझ में आया, फिर भी उन्होंने आपसे डर लगता है क्योंकि उन्होंने बोल दिया हाँ सर मुझे समझ में आ गया, हाँ मैम मुझे समझ में आ गया, तो अगर उन्होंने वो चीज़ आपको नहीं बताई तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया। अब क्या होगा, आपने बोला कुछ है, उन्होंने कर कुछ दिया, फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर क्या होगा, टाइम भी वेस्ट हुआ, रिसोर्स भी वेस्ट हुए, एफर्ट्स भी वेस्ट हुए। तो क्या होता है ना, कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, डायरेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों ही क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी जल्दी से लास्ट पे मूव करते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है ना, जब आपने सारी चीजें कर ली, ठीक है, जब आपने सारा चीजें कर लिया, उसके बाद में आप मेजर करते हो, आप देखते हो कि क्या मैंने जैसे प्लान किया था, क्या जो मेरे को आउटपुट निकल के आया, क्या वो बिल्कुल उसी तरीके से निकल के आया, क्या बिल्कुल वही निकल के आया है। अगर नहीं निकल के आया तो आप क्या करोगे ना, आप एनालाइज करोगे कि क्यों, हमने जो सोचा था उसी अकॉर्डिंग, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही मेरी एक्टिविटी क्यों नहीं हुई, वहां पे क्या चीज ऐसा खराब हुआ कि जैसा हमने सोचा था उस तरीके से प्लान नहीं हो पाया। जैसे अगर मैंने सोचा था कि 100 यूनिट्स ऑफ कपड़ा बनना चाहिए था, तो क्यों 100 यूनिट नहीं बन के सिर्फ 80 यूनिट ही बन पाई, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग के स्टेप में आप देखोगे कि कहाँ पे इश्यू आया, कहाँ पे प्रॉब्लम आई, और आप आइडेंटिफाई करके उसको क्या करोगे, सही करोगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट, ये बहुत ही शॉर्ट सिंपल सा वीडियो था, जहाँ पे मैं फिर बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको एक कोशिश है कि उनको एग्जाम के लास्ट टाइम पे भटकना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े, सिंपल भाषा में उनको समझाने के लिए ये एक स्टेप था। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए क्विक रिविजन था, जो हमारे प्रीवियस पेपर MP के पेपर में मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आए हैं उनका PYP डिस्कशन लेके आऊंगी आप लोगों के साथ में, जिससे कि आपको आइडिया पड़े कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लास्ट पेपर में आए हुए थे, और वैसा ही आप तैयारी MP पटवारी के एग्जाम के लिए भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आपके और भी जो दोस्त हैं जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी सर जो है वो सारे वीडियोस MP के जितने भी वीडियोस हैं उन सबका PYP एनालिसिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, ठीक है। तो आपसे वीडियो मिस ना हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो डैट जब भी नया वीडियो आएगा आपको मालूम पड़ेगा। एंड वीडियोस को पूरा देखो, बिकॉज हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो आपको जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। जल्दी ही मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।